अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम हुई घोषित। हार्दिक पांड्या करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित हो चुकी है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले हैं। तो वहीं पर अफगानिस्तान दौरे पर यहां पर अफगानिस्तान की टीम के कप्तान जो कि राशिद खान रहने वाले हैं। तो ऐसे में यहां पर दोनों ही टीमें जो कि कमाल की रणनीति के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिरकार इस मुकाबले का क्या शेड्यूल है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि सीरीज का आगाज कब से शुरू होने जा रहा है और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर इस सीरीज में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो का आखिर तक, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे। अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करे और इस सीरीज को अपने नाम पर करे तो दोस्तों, हम बात करें फिलहाल भारतीय टीम के बारे में। तो इस बार टीम इंडिया काफ़ी शानदार खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी जो कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। दमदार खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ते हुए टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखेगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम भी इस बार कमाल का परफॉर्मेंस टीम इंडिया के खिलाफ करने जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए, यहाँ पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अपनी प्लेइंग 11 भी दमदार खिलाड़ियों के साथ जोड़ती हुई मैदान पर उतरती हुई दिखेगी। हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय टीम की स्क्वाड में दमदार खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, जहाँ पर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। तो वहीं पर वॉइस कैप्टन की हम बात करें तो वॉइस कैप्टन की भूमिका निभाएंगे सूर्य कुमार यादव। तो इनके अलावा भी यहां पर यशस्वी जायसवाल, इसके साथ ही रिंकू सिंह हमें टीम में वापसी करते हुए दिखेंगे, यानी कि आईपीएल के हीरो इस बार हमें इस T20 सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे। इनके अलावा दूसरे खिलाड़ियों की हम बात करें तो यहाँ पर विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। तो वहीं पर सुमन गिल, राहुल त्रिपाठी, पृथ्वी शो, इसके साथ ही जितेश शर्मा जो कि शानदार बल्लेबाज है, जो कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। ऑलराउंडर खिलाड़ियों की हम बात करें तो यहां पर दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जोड़ा जाएगा। तो वहीं पर गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी में कुलदीप यादव, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मुकेश कुमार जो कि टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे। हालांकि यहां पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज को इस मुकाबले में मौका नहीं मिलने वाला है, लेकिन इन खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी टीम इंडिया कमाल का परफॉर्मेंस करेगी। विराट कोहली भी इस बार टीम इंडिया का यहां पर हिस्सा नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहां पर एशिया कप की तैयारी के लिए विराट कोहली जैसे दमदार खिलाड़ी जो कि एशिया कप में कमाल का परफॉर्मेंस करने के लिए अपनी तैयारी वहाँ पर करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर इस सीरीज में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ पर हम बात करें इस सीरीज के शुरू होने के समय के बारे में। तो फिलहाल अफगानिस्तान के दौरे पर टीम इंडिया एक मुकाबला, एक सीरीज जरूर खेलेगी, वनडे खेलेगी या फिर T20 अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त के महीने में अफगानिस्तान और भारतीय टीम आमने सामने हो सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम को वनडे सीरीज खेलनी चाहिए या फिर T20? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।